30-35 करोड़ रुपए का फैक्ट्री है मेरे पास, सब चीज है मेरे पास, मेरा पूरा अकाउंट डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट, हमारे लीगल डिपार्टमेंट, हमारा मैनेजमेंट, हमारा प्रोडक्शन लाइन, फलाना फलाना फलाना, जो भी इंडस्ट्री का जो भी काम होता है सारी चीजें हैं मेरे पास। वो सारे काम करते हुए मैं नेटवर्क बना रहा हूँ। Yes. Can you feel? क्या आप इस चीज को महसूस कर सकते हो कि मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा? Yes. क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है इंडस्ट्री में 32 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से मैं 5 साल में जितना ग्रोथ करूंगा ज्यादा से ज्यादा 2 गुना हो जाएगा, 32 का 64 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 5 साल में 5,000 करोड़ की पॉसिबिलिटी है जो इंडस्ट्री का भी जिंदगी क्योंकि दुनिया का 21वीं सदी का सबसे बड़ा अगर कोई बिजनेस मॉड्यूल है, 20वीं सदी का जो बिजनेस मॉड्यूल था वो था फ्रेंचाइजी मॉड्यूल, जिस फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पे आज भी काम करते हैं बर्गर और पिज्जा और ये मैकडोनाल्ड्स वगैरह वगैरह, जो इस तरह के फ्रेंचाइजी सिस्टम आपने देखा, वो पुराने जमाने के बिजनेस मॉडल थे जिसमें उनका खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो एक कॉन्सेप्ट चलता है। और 21वीं सदी का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट अगर कोई है और बिजनेस मॉड्यूल है तो वो ये है, नेटवर्क इंडस्ट्री, नेटवर्क सिस्टम। यहाँ पर आपके आपका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है ना कि लीनियर ग्रोथ। यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने आप को, मतलब आप सोच नहीं सकते कितना जल्दी आपका कितना बड़ा ग्रोथ हो जाएगा। क्या आपने सोचा था क्या कि 3 महीने के अंदर आता नहीं, मैंने सोचा था क्या 72,000 का टीम बन जाएगा, करोड़ का बिजनेस हो जाएगा? आपने सोचा था 200 का टीम बना के आप साइलेंट घूम जाओगे, लाखों रुपए आपके घर में आ जाएगा? कभी सोचा था क्या कहीं होता है क्या 200 की टीम बना के इतना बड़ा काम? अरे साहब, 2-2 हजार, 5-5 हजार, 20-20 हजार की टीम बना के भी लोग आज जीरो है। Yes. Yes. है नहीं है? Yes. और रही बात कंपनी की, तो आप फिर अपने दिमाग से बात खुरच खुरच के निकाल दो, क्विज कंपनी, जिसने इस बिजनेस मॉडल को समझ लिया, जिसने इस क्राउड फंडिंग से जुड़ा हुआ बिजनेस मॉडल, जिस मॉडल में नेटवर्क मार्केटिंग के साथ, नेटवर्क इंडस्ट्री के साथ क्राउड फंडिंग को जोड़ दिया गया है, जिसने इस मॉडल को समझ लिया वही कंपनी है। जिसने yes. नहीं समझा yes. वो उसके लिए आज भी ये कंपनी भागी हुई है। वो कंपनी है। अब सवाल है कि आप अपनी कंपनी को चलाना चाहते हो कि नहीं चाहते, ये आपके हाथ में है। और आप देख लेना, जो 1770 लोग अभी भी कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम है लोगों को 1770 का इन्वेस्टमेंट करके, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट? This is an investment? No. 1770 का आपने किया क्या? बताओ, ईमानदारी से बताओ क्या किया? अरे 1770 आपने अपने हाथों से लोगों को दिए हैं, कंपनी को क्या दिया? कहां इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने? This is not an investment. This is not an investment. 1770 रुपए का आपने कुछ लोगों को अपने मन मर्जी से आई एग्री का बटन दबा के कुछ लोगों को भेज दिया, जैसे कि आप पेटीएम में न जाने लाखों लोगों को रोज इधर उधर का ट्रांसफर मारते रहते हैं, मारते नहीं मारते, गूगल पे में मारते नहीं मारते, इधर से पैसा आता उधर जाता, उधर जाता इधर जाता, आता नहीं आता। Yes. कभी किसी ने सोचा क्या कि पेटीएम आज अरबों की कंपनी कैसे बन गई? गूगल पे आज खरबों की कंपनी कैसे बन गई? यार हम भी उसी मॉडल को अख्तियार कर रहे हैं, हम भी उसी मॉडल पे चल रहे हैं। Yes. बस अंतर इतना है कि हमारे साथ उस टाइप के लोग नहीं जुड़े हैं जो उस विजन को देख सके, एक सिंगल मैं हूं जो उस चीज को देख रहा हूं। Yes. और मैं चाह रहा हूं कि मेरी नजरों से आप उस चीज को देख रहे हो कि हम क्या कर सकते हैं, हम कितना बड़ा कर सकते हैं। Yes. इस चीज को, इस मॉडल को समझो, ये बिजनेस मॉडल है, ये बिल्कुल न्यू बिजनेस मॉडल है। मुझे तो लगता है कि अभी इस मॉडल के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा पूरी दुनिया में कि इस तरीके से भी किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी नया मॉडल आता है, कोई भी नया मॉडल, जब भी बिजनेस का नया मॉडल आता है तो उसमें परेशानियां आती है भाई, आनी भी चाहिए। जब तक आएगा नहीं नई नई परेशानी, तब तक हम उसको परफेक्ट बना कैसे पाएंगे? हमारे पास भी परेशानियां आ गई, हमारे पास भी बहुत सारे
चीजें, अब जैसे कभी कभी आपने आपने देखा होगा 12 बजे से लेके और आपको जब ट्रैफिक कम होता है तो ऐप खूब धनाधन चलता है और दिन में एकदम बिल्कुल जैसे बिल्कुल धीरे धीरे कछुए ही चालू हो जाता है। हम उसको भी सुधारने में लगे हैं। हमारे ऊपर हैकर्स के अटैक हो रहे हैं, दुनिया अटैक नहीं कर रही है, दूसरे लोग अटैक नहीं कर रहे हैं, हैकर्स अटैक कर रहे हैं। हमारे पेमेंट सिस्टम को बार बार डिस्टर्ब किया जा रहा है, बार बार हमें अभी तक 17-18 लाख का चुना लग चुका है। लेकिन मेरे लिए वो 17-18 लाख कोई माने नहीं रखता, क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हम तो 5-7 हजार करोड़ की तैयारी करते बैठे हैं। तो ये 17-18 लाख तो हम ट्रेनिंग पीरियड में हमारा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस लेने के लिए हमने इतना खर्चा किया। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। आपको पता है कहाँ बैठा हुआ है? मुंबई के अंधेरी में बैठा हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में। उसका नाम है कौन दुबे है, उसका सारा डिटेल हमारे पास, लेकिन हम लोग उसको टच नहीं कर रहे। पता है क्यों? क्योंकि वो भी साला हम लोगों की तरफ कोई नया मॉडल का है। हम लोग उसको अभी सारा उसका डिटेल है, उसके सारी चीज हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम उसको टच नहीं करवा रहे हैं।